स्क्वाडा वर्सेस केटीएम लग चुकी है, अभी लेते हैं ओवरटेक। 134 135, बस उससे ऊपर नहीं जाएगी। तो कोई हैवी ड्राइवर बैठा है भाई, तो स्क्वाडा को हमने छोड़ लिया है पीछे। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। तो व्लॉग मेरे पास पड़े हैं बट मैं अपलोड नहीं कर रहा, उसमें थोड़ा थोड़ा सा इश्यू हो गया है व्लॉग्स में। तो अभी जा रहे हैं हम सिद्रा एक प्यारा सा व्लॉग बनाने, आज शायद हम पिट स्टॉप भी जाएं। अपनी G900 का एसेसरीज वगैरह थी वो आई होगी मेरे ख्याल से। अभी जो मेरे साथ बहुत खतरनाक सीन हो गया था, मेरी माइक जो है बिल्कुल कट गई थी, अभी हमने उसको ठीक कराया है। अभी जाते हैं यहाँ से, प्यारा सा व्लॉग बना के आते हैं। आज मैंने टायर्स में हवा भी चेक नहीं कराया है, मैं चलाए जा रहा हूँ। और मेरे को अपनी बाइक में फ्यूल अप भी कराना है, वो भी मेरे को भूल गया। अभी आगे जाते हैं सिद्रा में, फ्यूल भी डाल देते हैं बाइक में और एक राइड भी करेंगे मज़ेदार सी। बाकी यार थोड़ी सी चैनल की रीच गिर गई है यार, थोड़ा शेयर मारो, डिमोटिवेट हो जाते हैं भाई। गाड़ियों की वजह से लीन जो है बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं। होप करता हूँ वॉइस वगैरह सही आनी चाहिए यार। अभी स्टंट लोकेशन पर अभी स्टंट्स चल रहे हैं भाई। हम तो डायरेक्ट आके निकलेंगे, पुलिस का सीन हो जाता है ब्रो। सादा राइडर्स के साथ जब भी चलो ना, पुलिस का बहुत खतरनाक सीन हो जाता है, इसलिए सिंगल सिंगल चलो या दो दो तीन तीन राइडर्स चलो। संडे के दिन चलते हैं, बट संडे के दिन ही ज्यादा नाके होते हैं भाई। ब्रेकिंग सीख ली मतलब बाइक सीख ली, सारा मेन ब्रेकिंग का सीन होता है। अभी रेस लग चुकी है स्कोडा के साथ, बट गाड़ी नहीं मानेगी ब्रो। राइड के फील लो ब्रो। स्कोडा वर्सेस केटीएम लग चुकी है, अभी लेते हैं ओवरटेक, बट भाई नहीं मानेगा, कोई हैवी ड्राइवर बैठा है भाई। तो स्कोडा को हमने छोड़ लिया है पीछे, बढ़ रहे हैं सीधा आगे के लिए। नॉर्मली यहाँ से 100 के ऊपरी स्पीड रहती है। अभी हम पहुंच चुके हैं जहाँ अपनी डेस्टिनेशन पे, डेस्टिनेशन नहीं तो मतलब एक स्टॉप जैसा हमने रखा है जहाँ पर हम मिलते हैं। तो अभी यहाँ पर रुकते हैं, ओएस भाई वगैरह भी आएंगे, उसके बाद निकलते हैं आगे। 39 बेकर्स के पास हम पहुँच चुके हैं, तो अभी यहाँ पर साइड पर लगाते हैं बाइक, उसके बाद थोड़ा वेट करके आगे बढ़ेंगे हम। बस उससे ऊपर नहीं जाएगी। अभी जाते हैं हम पिट स्टॉप में, यहाँ पर चेक करते हैं वो एसेसरीज वगैरह आई है कि नहीं। यहाँ पे लगाता हूँ मैं अपनी बाइक साइड पे। जो हमने बेकर्स वाले से स्टार्ट करा था ना, वो क्लिप बिल्कुल उसमें वॉइस नहीं आई है मेरे ख्याल से, माइक में फिर से इशू आया। अभी चेक करता हूँ मैं, मैंने थोड़ा सा फिर से ठीक कराया, मेरे को पता नहीं है इशू है कि नहीं। बाकी चेक करो यार G900 के फैंस भाई, भाई तब भाई ओ भाई। आगे चेक करते हैं क्या सीन रहने वाला है। अभी यहाँ से डायरेक्ट हम हाईवे पे चढ़ते हैं, मैं एक बार ही रुक के चेक करूँगा वॉइस वगैरह ठीक आ रही है ना। डन गाइस, वॉइस आ रही है, तो अब खींचते हैं यहाँ से। ओह भाई ने तो उड़ा ली। आगे पेट्रोल डालेंगे उसके बाद आगे निकलेंगे। मेरी हॉर्न काम नहीं कर रही है यार, इशू पे इशू हो जा रहा है। हॉर्न तो बिल्कुल ना के बराबर चल रही है, मेरे को कहीं रुकना पड़ेगा यार। हॉर्न के बगैर चलते हैं, बट आहिस्ता ही चलेंगे, ज्यादा खींचेंगे नहीं। जहाँ पे हॉर्न की जरूरत पड़ेगी वहां पर स्लो कर देंगे बिल्कुल, और क्या करेंगे भाई। अकेले बंदे के लीन बहुत प्यारे बजते हैं लिटरली। आज हम जाएंगे हाईवे वाली साइड भाई, मेरे को रुकना पड़ेगा, पक्का रुकना पड़ेगा। मेरा क्लच भी प्रॉब्लम कर रहा है और मेरा हॉर्न भी प्रॉब्लम कर रहा है। अब देखता हूँ, कोई जगह देखता हूँ जहाँ पे मैं रुक सकूँ, वहाँ पे मैं रुकता हूँ, थोड़ा सा इशू ठीक करता हूँ, उसके बाद ही आगे निकलूंगा, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ यार। आज तो पक्का मैकेनिक के पास जाऊँगा। अभी पीछे इनको पता नहीं क्या हो गया यार,
क्या हुआ भाई? पेट्रोल निकालना था बाइक की स्टार्ट में, पेट्रोल खत्म हो गया। अच्छा, मेरा पेट्रोल निकालने के लिए मैंने बोला पर इनको शायद पेट्रोल पेट के अंदर ही चला गया, तो उसके संग ना ओहो पेट्रोल पेट के अंदर चला गया, तो अभी इसको सांस लेने को पानी पी लो। भाई यहाँ पे पता क्या सीन हुआ है, मतलब जो जिनका जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ ना, वो भैया पेट्रोल निकाल रहे थे बाइक से, मतलब उनको शायद पेट्रोल खत्म हुआ होगा और उन्होंने टैंक में पाइप डाली है, क्योंकि BS6 जितनी भी गाड़ियाँ आया बाइकें आती हैं उनमें नीचे से पेट्रोल निकालने के लिए दिया नहीं होता है, और उसमें सीधा डायरेक्ट उन्होंने पाइप टैंक में डाला था, उसके बाद मुंह से खींच रहे थे और पेट्रोल निकाल रहे थे, मेट में पेट्रोल चले गया तो उनको बिल्कुल चक्कर आ रहा था। यहाँ पे क्या प्यारा लेन बज रहा है, बट हॉर्न नहीं है मेरे पास ब्रो, तो आगे वो मेरे ख्याल से वेट कर रहे होंगे कहीं पे मेरा। भाई आज तो मेरा कैमरा हर टाइम ऑन रहता है मेरा इस रोड पे कैमरा। अभी मैं पहुंच जा हुआ हूँ रेडिसन ब्लू के पास, आगे जो है शायद से सिग्नल लगा हुआ है, बट उनका पता नहीं मेरे को वो कहाँ चले गए। आई थिंक यहाँ पे गाड़ी खराब हो गई है स्कॉर्पियो, तो बीच रोड में रुकना पड़ रहा है इनको, और यहाँ पर नाका भी लगा हुआ है खतरनाक वाला ब्रो, ये आजकल खतरनाक नाके लग रहे हैं, तो डायरेक्ट निकलते हैं हम आगे के लिए, क्योंकि हेलमेट वेयर किया है भाई, कोई सीन नहीं है। अभी मैं भी साइड पे लगाता हूँ, तो आ गए ये, अभी ये भी मेरे को यहाँ पे मिल चुके हैं, तो अब यहाँ से आगे जाते हैं, सबसे पहला काम जो है पेट्रोल फिल करना, के बाद आगे बढ़ेंगे। ट्रैफिक देख रहे हो भाई कितना ज्यादा है, ऐसा खींचते हैं। अभी मिलते हैं आपसे सीधा डायरेक्ट पेट्रोल पंप पे, आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, नहीं है किस्मत खराब है यार, पूरी किस्मत खराब है। आगे ही चलते हैं यार, आगे वाले पेट्रोल पंप पे फ्यूल डाल देंगे, अगर मेरी बाइक कहीं रुक गई ना पक्का धक्के लगाने। अभी फ्लाई बाई चेक करना आप, पूरी आवाज गूंज रही है, मतलब लगता है अकेली बाइक एक रोड पे चल रही है, बाकी फुल पावर साथ में चल रहे हैं, तो आवाज चेक करो यार। एक सिद्रा का रोड भी लगा लिया, अब यहाँ भी एक रोड मारते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है आगे का। बाकी हैंडलिंग चेक करो यार, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपनी बाइक मस्त चल रही है। जब मैंने इसकी सर्विस कराई थी तब मेरे को उतना फील नहीं हुआ था कि ये इतनी प्रॉपर, मतलब मक्खन जैसी बन गई है। आज चला रहा हूँ ना यार, क्या ही बोलूँ मैं, उस दिन मेरे को इतना फील नहीं आया, बट आज लिटरली बता रहा हूँ ना, मजा आ रहा है मेरे को चलाने में। लग रहा है मैंने इसकी अभी वॉशिंग भी कराई है और सर्विस भी कराई है, हॉर्न के बगैर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, मतलब रुका तो लेता हूँ बट गाड़ी वहाँ यहाँ आ जाती है ना, उस टाइम हॉर्न देना बहुत जरूरी होता है। एक राइड कर लेते हैं विदाउट हॉर्न, उसके बाद मैं इसको ठीक करा लूंगा। अभी ये जा किधर रहे हैं मेरे को पता नहीं है, तो चलो जाते हैं देखते हैं क्या सीन रहता है। हमारा संडे का प्रोग्राम था लखनपुर वाली साइड जाने का, बट देखते हैं अभी नेक्स्ट संडे जाएंगे लखनपुर तक अपनी बाइक्स को लेके। ट्रैवलिंग करने में जो मजा आता है ना भाई, वो नेक्स्ट है। यहाँ से इतना ज्यादा फॉग है ना भाई, मेरे को लगता है अभी कहीं बारिश ना पड़ जाए, और ठंड भी अब मेरे को महसूस होने लगी। अभी तक मेरे को सिद्रा वाली साइड उतनी ठंड लग नहीं रही थी, बट इस साइड बहुत ज्यादा ठंड है, और मेरे GoPro की बैटरी भी अब कम होते जा रही है, मतलब इसने एक व्लॉग निकाल लिया जितनी इसकी कैपेसिटी थी। इस पेट्रोल पंप मिल चुका है, अभी पेट्रोल डालते हैं, फिर बाद आगे बढ़ेंगे। भाई ठंड बहुत ज्यादा है, पिछले वाले पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं था, इस वाले पे कार्ड स्वाइप नहीं हो रहा है यार, क्या सीन पे सीन होए जा रहे हैं। कह रहे हैं स्कैनर भी नहीं है ना, तो इनके पास कार्ड वाली मशीन चल रही है। भाई चल क्या रहा है, कैश तो आज कोई साथ नहीं रखता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रखता। अभी आगे ही चलते हैं, देखते हैं आगे कहीं पेट्रोल पंप मिले तो। भाई आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है बाइक की, रिएक्शंस तगड़े मिल रहे हैं, सारे पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। भाई चेक करो गाइस, एक और पेट्रोल पंप पे आना पड़ रहा है। अब होप करता हूँ कि यहाँ कार्ड वगैरह चले और पेट्रोल डाल दें हम बाइक्स में। ओके गाइस, तो पेट्रोल वगैरह भी डाल दिया, अभी ये कहाँ चले गए गाइस। अभी निकल रहा हूँ मैं घर की तरफ, भाई मूड जो है मेरा बिल्कुल खराब हो गया, इतनी ज्यादा ठंड है ना भाई, क्या बताऊँ। पहले मेरे को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, बट अभी के टाइम इतनी ठंड है ना, पूरा ठंडा हो गया, इतने मोटे कपड़े लगाए मैंने फिर भी इतनी ठंडी आ रही है ना। रैश राइड भी नहीं कर सकता हूँ भाई, हॉर्न तो चेक करो यार, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। सबसे पहले मैं हॉर्न ठीक कराने जाता हूँ कि बाइक जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेन है, बिल्कुल प्यारे तरीके से चल रही है। सो गाइस अभी थोड़ा सा रोड खाली मिला है, थोड़ा सा खींचते हैं, मन आ कर रहा है अब खींचने का, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है भाई, हॉर्न के बगैर चल रहा हूँ भाई।
गाइस अभी मैं मैकेनिक भाई के पास आया था, मैंने अपनी बाइक का जो है हॉर्न ठीक करा लिया यार, ये सबसे मेन चीज़ थी। अब जो हॉर्न अच्छे से चल रही है, अब मन भी करेगा बाइक चलाने का। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था यार बाइक चलाने का, क्योंकि हॉर्न काम नहीं कर रहा था ना, तो कहीं भी लुढ़क सकता था मैं। तो अब हॉर्न मेन सीन जो मैंने ठीक करा लिया, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब भगाएंगे भी हॉर्न देकर। तो गाइस करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।